set for my people, yeah. Coming back like a sequel, yeah. So hot, I'm a fever, yeah. Like the white wolf, gonna make you a believer, yeah. I'm running all straight diesel, yeah. Like I'm evil, Knievel, yeah. Too fast, it's illegal. Call me the underdog, gonna make you a believer, yeah. I don't ever, ever wanna look back. The future's blurry, but the past is a trap. I might be staring at my last chance, but I'm cold. आप देख सकते हैं, पता ही चल गया होगा। अभी ट्रैवल म्यूजियम आए हैं, उसके बाद साइंस सेंटर जाएंगे हम लोग। लेट्स गो, चलो अंदर चलते हैं, पूरा घूमेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अपन लोग साइंस सेंटर। Yeah.
डरावना एरिया यार ये तो, बट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी। क्यों इसलिए कनेक्शन कलेक्शन होता होगा। जो कि है साइंस सेंटर, और वहाँ पर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं, तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे। इसके लिए अभी भी जो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आखिर तक बने रहिए। हम देख सकते हैं, हम आ चुके हैं साइंस म्यूजियम में, और ये है इसका नाम। सो गाइस चलो अब चलते हैं अपन अंदर। यहाँ तो पूरा रोड चल रहा है, मैंने शूट करने के लिए वापस आया हूँ। चलिए, ये सबसे अजीब चीज़ तो ये है, यहाँ पे लिखा है यूज़ मी, गले मिलने के काम का तो है नहीं, कचरा है फालतू में लिखते हैं। देखो गाइस बोतल से हाई किया जा रहा है, और इनके बीच में चल रही थी लड़ाई कि कौन सबसे ज़्यादा तेज गाड़ी चला सकता है। हेलो, फिलहाल अब हम लोग साइंस सेंटर के अंदर जा ही रहे हैं, बस अभी केवल सीढ़ी पार करनी बाकी रह गई है। तो गाइस ये देखिए मैजिक टेब है, और ये बिगर पाइप के पानी गिर रहा है, अब समझ जाइए आप लोग उसमें क्या है। यहाँ पे भी ये लिखा है, आप देख सकते हैं भाई, बहुत ही चमत्कारी है यार ये। दबा दबा गाइस, ये काम भी कर रही है। नहीं, उसके ब्लैक स्क्रीन पे देख कुछ रिफ्लेक्शन है। कौन से बोल रही है? यहाँ है उसी के अंदर ही। गाइस ये देखिए, हवा के प्रेशर से बॉल तक उड़ रही है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग बॉल। अरे अनंत, गाइस ये देखिए हवा के प्रेशर से बॉल उड़ रही है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट चिपका हुआ है, और अब देखिए
हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे ये जो रॉड है बर्न होगी और देखिएगा मैग्नेट अपने आप यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, रिपल्ट करेगा, देखिए पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन होगा पूरा। ये देखिए ये गर्म हो रहा है, ये अपने आप देखिए दूर जा रहा है, देखिए अपने आप दूर जा रहा है, बिकॉज क्योंकि ये गर्म थी रॉड इस कारण मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट नहीं हुई। तो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं और कुछ भी है क्या नहीं साइंस में। ये देखिए गाइस लग रहा है ना मजेदार, और इसको कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो हमारी अर्थ से जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से बनता है, आप लोग देख सकते हो। इसका एक मॉडल है, अब पूरी तरीके से तो हम आपको उसको डिटेल नहीं दे पाएंगे। तो गाइस अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जैसे पहले के समय में ग्रामोफोन बनता था ना जिससे लोग आवाज़ सुनते थे, अब ये देखो किस तरीके से। ये देखिए गाइस सब में एक अलग ही ट्यून आ रही है गाइस। अब आप ये देखिए हवा के प्रेशर से बॉल देखिए कैसे हो रही है, वो इतना अट्रैक्ट कर रही है एयर उसको जिससे कि वो अंदर तक चल जाए, बट पाइप इतना छोटा है कि बॉल जो बॉल है वो वहीं के वहीं रिएक्ट कर रही है। देखिए हवा के प्रेशर से कितना फर्क पड़ रहा है उसको, पूरी बॉल राउंड हो रही है बट वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि पाइप ही इतना छोटा है। इसको कहते हैं सकिंग फनल। गाइस ये देखिए ये आस्तिक 1.0 है, मेरे बहुत सारे भाई आए हैं यहाँ पे खाना खाने मेरे साथ। ये देखिए गाइस ये देखो अगस्त के और भी भाई आए हैं यहाँ पे, आनंद के भी भाई आए हैं, देखो कितने सारे भाई हैं, देखो अगस्त 1.1 अगस्त 2.0 अगस्त 3.0 अगस्त 4.0। गाइस रावण देख लो गाइस, इसका नाम ही रावण है, इसमें अपन सामने खड़े होते हैं आपके 10 सिर दिखेंगे और आप रावण बन जाओगे। क्या मिलेंगे फ्रॉम फूड। हम किस एनर्जी कितनी कौन से फूड से क्या एनर्जी मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को ये चीज़ खानी नहीं चाहिए, पर इससे मिलती है हमको 130 कैलोरीज एंड ब्रेड से मिलती है हमको 341 किलो कैलोरीज और दाल से 335 एंड राइस से 345 कैलोरीज एंड कैबेज से 27 किलो कैलोरीज। भाई इसमें तो पार कर दी 398 ये शुगर और अब देन मिल्क ओनली 67, इसमें अभी 6 अच्छे शो नहीं कर रहा है एंड ग्रेप्स में 17, आइसक्रीम में 193 किलो कैलोरीज एंड ये चीज़ तो मेरे को लो भाई जली नहीं रही, बट ये फिश का 97। तो गाइस बल्कि ये है नहीं, ये एक्चुअली में इतनी है बट उसको मिरर के थ्रू आपको दिखाया गया कि इन्फिनाइट है, अनंत दूरी। गाइस सोच रहे हो कि दो ट्रेनों का क्या काम है, ये लोग हजारों ट्रेन खड़ी भाई यहाँ पे। गाइस एक्चुअली में इन्फिनाइट जो मिरर के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि अनगिनत, अब मैं कैसे दिखाऊँ गाइस आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा मेरे हिसाब से, तो थोड़ा कैमरे के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बट ये इन्फिनाइट ट्रेन है, साफ साफ दिखा भी है।
गाइस ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, इसके बारे में फुल डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, बट आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। आप गाइस अब मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ। हम लोग सुबह से आए हुए हैं और अभी शाम की 5 बज चुके हैं और अभी भी आज साइंस लैब ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइस फुल एनर्जी ट्रैवल म्यूजियम में ख़त्म हो गई, देन इसके बाद यहाँ पर आए। फर्स्ट हम लोगों का यहाँ का प्लान था, अगर यहाँ आते तो उसके बाद अपन वहाँ जाते, बट कुछ नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे। एक से बढ़कर एक एटमॉस्फेयर गैलरी, एनर्जी कैसे, एनर्जी से क्या क्या वर्क होता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं जो हमारा सोलार एनर्जी है उससे क्या क्या चीज़ें चलती है, इसके बारे में फुल डिटेल हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। केमिकल एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और एनर्जी फ्यूज के बारे में बहुत सी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। गाइस ये देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है वो इन लेयर्स के थ्रू बनता है, आप देख सकते हैं इतनी लेयर्स में अपना एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया में, जो कि मिरर मेज भाई, ए अगस्त, अगस्त बचा भाई, निकलेंगे कैसे ए गाइस, पूरे लग गई हो अबे भैया, अरे भाग गया, क्या हो गया, ए चलना मत भाई, हाँ ये ले आजा मेरे पास, मेरे पास गाइस, अरे तो बच गया भाई, ये क्या है यार, सुमन चिल्लाओ मत गाइस, हम लोग बहुत दूर से, समझ में नहीं आ रहा है करें क्या यार, यहाँ हर जगह मेरा नहीं मिल रहा है, अरे मेरे को ले जाओ कोई, मेरे को ले जाओ प्लीज, मिल गई भाई, कितना कंफ्यूज हो गया यार। चला गया, चलो हम बताते हैं रुको, प्रेस द स्विच, कुछ नहीं है, तो गाइस अब उठाओ गाइस, ये उठा ही नहीं उठ पा रहा। सो गाइस यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बन रही है जिसके कारण ये उठा ही नहीं पाया, और ये भी काफी अच्छी साइंस थी। गाइस अब हम लोगों ने साइंस सेंटर को लीव कर दिया है, काफी कुछ जानने को मिला हमको, और आई होप आप लोगों ने देखा होगा। Rest your head, let it dream about me, 'cause I'm fed up with your crazy. I will never smile for you. Yeah, I will never cry for you. So guys, अचानक से हम लोगों का प्लान भी बदला, कि हमने सोचा कि एक रास्ते पे ही था भाई गए, जो फिश ऑडिट एक्वेरियम होता है, जो फिश एक्वेरियम जहाँ पर फिशेस रहती है, तो वो भी हम देखने आ गए, तो और आप लोगों को एंजॉयमेंट होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, और आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा फिश एक्वेरियम में, जहाँ पर कई सारी फिशेस हैं। I'm cold-blooded.
डरावना मुंह नहीं देखा मैंने आज तक। अगर हाथ तो पीस दिखाई नहीं दे, ये बहुत शर्मीले होते हैं टर्टल से। आप देखा भाई, देखो भाई, ये देखिए इनका डरावना मुंह देखिए भाई। हेलो टर्टल भाई, अच्छा महाराज गाइस, ये बहुत बुजुर्ग टर्टल है, इसको 56 लिखा है भाई इसमें। अब क्या पता है क्या नंबर है क्या है, बेचारा बहुत बूढ़ा सा लग रहा है गाइस, आप भी समझ सकते हो। देखो अलग ही इसका समझ में आया कि बूढ़ा हो चुका है गाइस। ये देखो ये मछली इतनी भुक्कड़ है, मैं उंगली लगा रहा हूँ, देखो 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 खाने को दौड़ रही है। देखो अब लगता है वीडियो बनाने लगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये ये देखो ये देखो ये मुँह खोल रही है, मुँह खोल रही है भाई। इसको क्या हो गया है यार, ये अपने हम चुपचाप ही बैठी रहती है। अरे वो कुछ नहीं कर रही, बहुत ही सीधी सादी मछली है। इसका नाम है पायराना। लो गाइस जैगुआर भी देख लो, जैगुआर बहुत ही चुपचाप है भाई, अपने काम पे काम रख रही है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने फिशेस भी देखी होंगी जो हमारा अचानक से प्लान बना था, और कुछ ज़्यादा फिशेस नहीं थी बट बहुत ही मस्ती खोर फिशेस भी थी और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे भी देखे, और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो बाय बाय। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और अभी और भी जगह हैं इसके लिए भी आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बट आई होप आपको साइंस के रिलेटेड और ट्राइबल जो हमने म्यूज़ियम दिखाया काफ़ी सामने आया होगा, और कुछ कुछ जगह पर हम वीडियोस नहीं बना पाए ट्राइबल म्यूज़ियम में, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी बट भाई अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलना चाह रहा भाई, क्योंकि एक्चुअली वो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, पर तब भी मैंने कैसे भी कैसे करी। तो उसके लिए भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी लौटेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अननोन गिवे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। But I'm cold कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, मिलते हैं एक नगले का होल्ड।